रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुई है भेड़िए की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कैसे रात के अंधेरे में भेड़िया टहल रहा था, अपने शिकार को ढूंढ रहा था, और ऐसे में वन विभाग की टीम भी गश्त कर रही है, लगातार कॉम्बिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक वो पांचवा और छठा भेड़िया कहाँ है, कब पिंजरे में आएगा, इसका सवाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें कैसे गांव के लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, कैसे गांव के लोग दहशत में हैं, कैसे सड़क से लेकर लगातार गांव के खेतों तक ये भेड़िए खुले में बिना किसी डर के बेखौफ घूम रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद आदमखोर, पहले सामने आया भेड़ियों का सरदार, अब दिखे झुंड के बाकी खूंखार। चाहे बहराइच हो या फिर सीतापुर, रिपब्लिक भारत के कैमरे में लगातार इन आदमखोरों की तस्वीरें कैद हो रही हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पहले इनका सरदार लंगड़ा भेड़िया हमारे कैमरे में कैद हुआ था, और अब उसके झुंड के बाकी खूंखार भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। गांव-गांव दहशत फैलाने वाली आदमखोर रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। कई बच्चों को अपना निवाला बनाने वाले, कई इंसानों का शिकार करने वाले आदमखोर अब भी लगातार हमले कर रहे हैं, अलग अलग गांव में घरों में घुसकर आतंक मचा रहे हैं। बीती रात भी सीतापुर के पकड़िया गांव में आदमखोरों ने घर में बंधे मवेशी पर हमला कर दिया। हालांकि भनक लगते ही ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद ये खूंखार शिकारी भाग निकला। लेकिन अब सवाल उठता है कि आदमखोर हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं, बार बार शिकार कर रहे हैं, वो वन विभाग के पिंजरे से अभी भी इतने दूर क्यों हैं? सवाल उठ रहा है कि नई तकनीकों का सहारा लेने के बाद भी क्यों इनको अब तक पकड़ा नहीं गया? सवाल उठ रहा है कि दिन रात जवानों की गश्त के बाद भी ये भेड़िए उनकी नजरों से कैसे बच रहे हैं? सवाल उठ रहा है कि ड्रोन, थर्मल सेंसर और इनके ट्रैकिंग के बाद भी आदमखोर कैसे अब भी घरों में घुसकर हमले कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के बीच अब ये आदमखोर वन विभाग के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं, और यही वजह है कि इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आला अधिकारियों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने इन्हीं इलाकों में अपना डेरा डाल लिया है। दिन रात इनको पकड़ने के लिए टीम सर्च अभियान चला रही है। बाहर से एक्सपर्ट और शूटर की टीम को बुलाकर इन भेड़ियों पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर 52 गांव में दहशत मचाने वाले भेड़िए कब पिंजरों में कैद होंगे, आखिर कब वन विभाग का ऑपरेशन आदमखोर खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आदमखोर के आतंक के बीच जी रहे लोगों ने अब अपनी सुरक्षा को अपने ही हाथों में ले लिया है। आदमखोर से बचने के लिए रात में जगकर पहरा दिया जा रहा है, ट्रैक्टर में स्पीकर लगाकर अपील की जा रही है, बाइक पर पुलिस वालों के साथ ग्रामीण गश्त कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। रात के अंधेरे में आदमखोर की आहट, बहराइच से लेकर सीतापुर तक फैली दहशत, वन विभाग की कड़ाई, घर के अंदर सोने में ही भलाई। डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। सावधान सावधान सावधान, मतलब साफ है कि जीना है तो जाग जाओ, सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आदमखोर कब कहां किसको निवाला बना ले किसी को नहीं पता, कब कहां कोई उसका शिकार बन जाए, कब कहां ये आदमखोर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता। यही वजह है कि गांव की नींद उड़ गई है। यहां के लोग रात भर जाकर अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, खुद हाथों में लाठी डंडे लेकर सबको सतर्क कर रहे हैं, वन विभाग के कर्मियों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि अब जान पर बनाई है। आदमखोर खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले लगातार गश्त कर रहे हैं, और लगातार वन विभाग की टीम जागरूक भी कर रही है। आप देखिए इस ट्रैक्टर पर किस तरह से एक लाउड स्पीकर के द्वारा गांव वासियों को बताया जा रहा है कि आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप सुनिए कि आखिर क्या कहा जा रहा है। जी हां, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों
भी सचेत करें। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत। किस तरह क्या अलर्ट किया जा रहा है, साथ ही आप देखिए ये वन विभाग के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान हैं, और ग्रामीण देखिए मोटरसाइकिल पर डंडे ले लेकर मोटरसाइकिल से लगातार ये गश्त कर रहे हैं। खूंखार के खौफ का आलम ऐसा है कि दिन तो दिन रात में भी गांव वाले डर के साए में सांस लेने को मजबूर हैं। यही वजह है कि रात भर गश्त कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, बाहर सो रहे लोगों को घरों के अंदर सोने की अपील की जा रही है। पकड़ लेगा आप जान पाएंगे, जिंदगी बहुत जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी हालांकि वन विभाग भी इन आदमखोरों को पिंजरे में कैद करने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। तकनीक का सहारा लेकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मासूमों को बचाने के लिए दिन रात पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन इन सभी कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िए पकड़ से दूर हैं। जिसके बाद सवाल उठता है कि कब ये आदमखोर पिंजरे में कैद होंगे और कब इन गांव के रहने वाले लोगों को चैन की नींद मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहराइच में एक तरफ भेड़ियों का आतंक है तो लखीमपुर में बाघ और भेड़िये से लोग डरे हुए हैं। जगह जगह अब बाघ के पैरों के निशान भी देखे जा रहे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है, लेकिन ये बाघ कब किस पर हमला कर दे किसी को नहीं पता है। इसको लेकर लोगों ने अपने स्तर पर तैयारियां जरूर कर रखी हैं, लेकिन एक डर का माहौल लखीमपुर से लेकर बहराइच तक है। लखीमपुर खीरी जिले का ये मलिया गांव है जहां पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्रामीण दहशत में हैं और अब दहशत बढ़ती जा रही है क्योंकि बाघ ने गांव के अंदर रुख कर लिया है। पहले सिर्फ बाघ बाहरी खेतों की तरफ था, लेकिन अब जो अंदर निशान मिले हैं वो आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बाघ का जो रुख है वो गांव की तरफ हो चला है। ऐसे में यही वजह है कि लोग यहां पर डरे हुए नजर आते हैं, क्योंकि घरों के सामने लाइटें तो टंगी हुई हैं लेकिन लाइट नहीं आती है। इस निशान को लेकर के पुष्टि अब वन विभाग की तरफ से कर दी गई है। उनकी तरफ से बताया गया है कि ये जो निशान यहां पर मिले हैं ये बाघ के पंजे के निशान है। अब सवाल ऐसे में ये भी खड़े हो गए हैं कि रोड पार करके बाघ घुस गया है गांव के अंदर, या ये दूसरा बाघ है जो गांव के अंदर का रुख कर गया है। इसके पैरलर भी कुछ निशान मिले हैं। गांव वाले यहां तक दावा कर रहे हैं कि उसके साथ एक बच्चा भी इसका मतलब मौजूद था। हालांकि जो वन विभाग की टीम पहुंची थी उनका कहना था कि उसके साथ कुत्ता हो सकता है। अपने आप में जो कि हास्यास्पद हो जाता है कि आखिरकार कुत्ता बाघ के साथ क्यों चलेगा। ये निशान कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देते हैं और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वन विभाग की टीम जो ये दावा कर रही है कि हम 2 से 4 दिन में पकड़ लेंगे, वो किस तरीके से काम करते हुए नजर आ रही है। अगर